dear friends and my dear students, welcome to Vijay Tutorial. Here and there you don't run, subscribe Vijay Tutorial because here only learning becomes fun. So today again I have brought 10 important Hindi questions, or those students, those who don't have background regarding Hindi, so these questions are boom for them. So now, without wasting time, come on, let's understand these 10 questions. And these are based on Hindi literature. Okay, so first hai, Doha kis bhasha ka chhand hai? Prakrit, apabhransh, Hindi ya Sanskrit? To Doha jo chhand hai, ye hai aapki apabhransh bhasha ka. Avdhi ki pehle kirti kya hai? Avdhi ki pehle kirti, matlab sabse pehle rachna isme kaun si hui hai? Ye hui aapki चंदायन, चंदायन. अवधि की जो पहली कृति है वो है चंदायन. नेक्स्ट है, हिंदी की कितनी विभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी विभाषाएं हैं? ये आपके जो विभाषाएं शब्द है ये नया है, इसीलिए मैंने ये प्रश्न लेके आया है. सो हिंदी की जो हमारी विभाषाएं वो है 5. खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? तो खड़ी बोली का मूल नाम है कौरवी. जो डू ढाड़ी है ये आपके पूर्वी राजस्थानी का नाम है. डू ढाड़ी ये पूर्वी राजस्थानी का नाम है. बांगरू ये आपका हरियाणवी के लिए यूज होता है, हरियाणवी को बांगरू कहा जाता है. और जो कौरवी है ये है आपका खड़ी बोली का मूल नाम. चित्रावली किसकी रचना है? सो जो चित्रावली है ये रचना है उस्मान की. उस्मान हिंदी भाषा के स्तंभ हैं, जो उनकी ये रचना है चित्रावली, उस्मान जी की रचना है. नुक्ता के जनक, जो फ म जो नीचे हम डॉट लगाते हैं उसको नुक्ता कहा जाता है. तो नुक्ता लगाना किसने प्रारंभ किया था? ये क्या था? राजा शिव प्रसाद. राजा शिव प्रसाद ने नुक्ता का प्रचलन किया, उन्होंने ये लगाना प्रारंभ किया था. पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? पहला हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था भारत में 1975 में. भारत में 1975 में हुआ है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन. इसमें विश्व के अलग राष्ट्र मिलते हैं और हिंदी हिंदी भाषा के ऊपर चर्चा होता है, उसके विकास के लेके वो लोग बात करते हैं. दूसरा है, ब्रजबुली नाम किसका है? ब्रजबुली नाम किसका है? तो ब्रजबुली नाम पंजाबी, गुजराती, पुरानी बंगला या मराठी, इसमें से ब्रजबुली नाम है पुरानी बंगला का. तो पुरानी बंगला को हम ब्रजबुली नाम से भी जानते हैं. संविधान में भाषा संबंधी अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? संविधान में भाषा रूपी जो अनुच्छेद है वो है आपके 343 से लेकर 351 तक. 343 से लेके 351 तक. और 351 में मैंने आपको बताया है इसमें हिंदी भाषा के विकास से जुड़े हुए दिशा निर्देश हैं. भाषा के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण, सबसे पहले जो ये राज्य बने भाषाओं के आधार पर नहीं थे, लेकिन किस वर्ष से भारत में राज्यों का जो वर्गीकरण है वो भाषा के आधार पर हुआ? तो वो आपका हुआ है 1956 से भारत में जो राज्यों का वर्गीकरण था वो हुआ. सो स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, आई होप आज जो ये 10 क्वेश्चन है ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने मैं 10 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. और अभी मुझे आपका कॉम्प्लीमेंट्स का वेट है. अगर आपको वीडियो पसंद आई आप इसको लाइक करो, आप इसको शेयर तो जरूर करो. अगर आपको पसंद नहीं भी आई तो भी शेयर करो, हो सकता है किसी को ये एडवांटेजेस लगे और उसका जो एक दो नंबर से एस चैट रह रहा है इस बार वो उसको क्रैक कर पाए. थैंक यू.